गुड मॉर्निंग अरिवान गुड मॉर्निंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ आ रही है तब तक जो है हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी क्लास शेयर कर देते ताकि बाकी बच्चों को भी नोटिफिकेशन मिल जाए जी गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को ठीक है ओके okay, सो so ये क्लास की बहुत डिमांड थी ठीक है हमने क्योंकि हिस्ट्री जोग्राफ़ी साइंस पॉलिटी सब मैं डिस्कस कर रहा था लेकिन इकोनॉमी अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी थी तो इकोनॉमी का पार्ट भी मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं तो आज हम इंडियन इकोनॉमी का जो इतने सारे मैंने चैप्ट आ, मतलब सब्जेक्ट वाइज एम स्टार्ट किए थे तो उसका आज इंडियन इकोनॉमी का पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्लियर जी तो बढ़ते हैं आगे एक सेकेंड रुकते हैं पेन ले लीजिए चलिए सो बढ़ते हैं आगे जी आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल चलते हैं जी आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिले ना मिले लेकिन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मेरे साथ यहाँ पे वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अभी जैसे हम आपके इकोनॉमी वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या होगा मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लेकिन अगर आप मेरे से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम पढ़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी साइंस इकोनॉमिक्स वगैरह तो आप यहाँ पे इस टेन थाउजेंड एम कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप स्टेट पी सी आई यू रेलवे डिफेंस एग्जाम सभी इसके अंदर एम सी किए हैं और इसी के अंदर मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी अपलोड की है तो मॉक टेस्ट सीरीज़ को भी आप देंगे तो आपको कोई बाहर से मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ इस कोर्स के अंतर्गत ही आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे और बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी और इसमें जो कूपन कोड है वो लगा लेना और आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा थियोरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है है वो हमने कोर्स में जाना टॉपिक वाइज चीजें एक टॉपिक दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक इस तरीके से क्लियर अब आप इन को से से ले ले सकते सकते हैं हैं दो जगह से ले सकते हैं। एक तो स्टडी आईक्यू ऐप से ले सकते हैं आप लोग या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं हमारी स्टडी आईक्यू डॉट कॉम अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको तो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे नजर आ जाएगा ऐसे नजर आएगा आपको होम पेज नजर आएगा और आपको यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे टेन थाउजेंड एमसी कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर पे जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं क्लियर और मॉक टेस्ट जिसकी बात कर रहा था मैं मॉक टेस्ट नंबर चार ये अपलोड होगा 21 अगस्त को अपलोड होगा हर सैटरडे मैं इसके अंदर मॉक टेस्ट अपलोड करता हूं जिसके अंतर्गत हमारे स्टेट पी और यूपीएससी के लेवल क्वेश्चन डिस्कस होते हैं और इसमें पहले मैं पेपर अपलोड करता हूं बाद में हमारे वीडियो सोलूशन आते हैं इससे पहले हमारे तीन मॉक टेस्ट आ चुके हैं उसको अटैम्प्ट करो देखो कहाँ पर स्टैंड करते हो कितनी मेहनत की आपको जरूरत है तो इसमें आप मॉक टेस्ट देंगे क्लियर और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ टेन थाउजेंड पेड कोर्स में ही आपको अवेल करना पड़ेगा आपको कोई अलग से मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है कोई अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है टेन थाउजेंड एमसी कोर्स है आपको, इस कोर्स को, uh, को करो, पेपर की जो है एग्जाम की तैयारी करो क्लियर तो बढ़ते हैं आगे कुछ भी डाउट होता है ना आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग एनी कोर्स क्लियर चलिए जी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट इज कॉल्ड कहने का मतलब यह है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा जैसे कि हमारे देश में है इनकम टैक्स सो वट टाइप ऑफ टैक्स इज दिस सो दिस इज द प्रोग्रेसिव टैक्स आरोही कर जिसे हम कहते हैं इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ेगा तो दिस इज कॉल्ड आपका प्रोग्रेसिव टैक्स इसमें क्या होगा गरीब अगर अमीर हो रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा अमीर और अमीर हो रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा तो मतलब इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ेगा तो डेट इज कॉल्ड आपका डेट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसको कहते हैं और इनकम टैक्स जो आपका डायरेक्ट

चलो ठीक है चालीस हज़ार दे दो इस तरीके से डेट इज कॉल्ड लमसम टैक्स क्लियर रिग्रेसिव टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिग्रेसिव टैक्स होते हैं जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स मतलब आपकी यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही ठीक है कहने का मतलब इनकम भी नहीं बढ़ रही टैक्स बढ़ रहा है लाइक फॉर एग्जाम्पल अप्रत्यक्ष कर फॉर एग्जाम्पल जी की अगर मैं बात करता हूँ जी की ठीक है आपको पता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगता है अब अमीर हो चाहे गरीब हो तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा ही पड़ेगा क्लियर हो गया तो इसका मतलब इसका ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा गरीब सेक्शन के ऊपर पड़ेगा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर पड़ने वाला है ऑब्वियसली बात है अगर अमीर अमीर हो रहा है तो उसको टैक्स देने की कोई मतलब इतनी वो, वो नहीं होगी उसको टेंशन नहीं होगी जीएसटी भरने की लेकिन अगर मैं कि गरीब बंदा है और गरीब बंदे की आय फिक्स है कि हाँ इतनी रहनी है उसको चाहे इनकम बढ़े उसकी तो इनकम ही नहीं बढ़ रही ठीक है उसकी तो जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू रह रही है और प्लस उसको जीएसटी भी भरना पड़ेगा मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम जीएसटी बढ़ा रहे हैं जब

वो तो प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव की बात कर रहा हूं मैं अगर मैं कहूं कि मैंने कोई चीज खरीदी सिर्फ मेरे ऊपर टैक्स लगा जहां मैंने कोई चीज बेची ठीक है मतलब जहां पे एक ही व्यक्ति के ऊपर असर पड़ रहा हो, तो डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जहाँ पे दो व्यक्तियों के ऊपर असर पड़ रहा है लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने चीज खरीदी थी ठीक है तो मेरे ऊपर उसका टैक्स लगा मैंने चीज आपको बेच दी तो वो टैक्स अल्टीमेटली आप पे कर रहे हैं तो डैट मीन्स जिसमें दो लोग आ गए तो एट द एंड जो भी कंज्यूमर होगा एंड कंज्यूमर होगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन यहां पे देखिए राइजिंग इनकम टू पेइंग हायर परसेंटेज ऑफ द इनकम इन टैक्स दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स आरोही कर इसको हम कहते हैं चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए सर्व शिक्षा अभियान बिकम ऑपरेशनल इन इंडिया सर्व शिक्षा अभियान जो आया था भारत में ये कब ऑपरेशनल हुआ था कब लागू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान की बात करूं तो ये एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा है तो एजुकेशन आपको पता है कि हमारा अगर मैं पॉलिटिकल चीज़ों के लेके चलूं एजुकेशन हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है ग्यारहवीं फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें पेरेंट्स को पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाएंगे छः से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट right भी है आपका जिसमें आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में लिखा गया है कि राइट टू एजुकेशन और अगर मैं बात करूं डी पी एस पी इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो उसमें आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव में लिखा गया है कि स्टेट्स पढ़ाएगी बच्चों को अब यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्टार्ट हुआ था टू थाउजेंड और टू थाउजेंड वन के अंदर ये ऑपरेशन हुआ था आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा अब यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है जो आपकी प्राइमरी शिक्षा है वो आप प्रोवाइड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है जिसमें आपको मैंने बताया था कि छह से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है फंडामेंटल राइट right भी है ये आपका अमेंडमेंट अमेंडमेंट हुई थी ये अमेंडमेंट हुई थी आपकी क्लियर हो गया 86 सिक्स अमेंडमेंट एक्ट टू अब यहाँ पे जो है ये शिक्षा अभियान जो एम करता है कि वो 2010 तक सभी बच्चों को रेलिवेंट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर अब यहाँ पे अलग जगह उपर, अलग जगह के ऊपर अलग अलग जो है आपके प्रोग्राम थे फंडिंग थी यहाँ पे क्या थी देखिए जी एट्टी टू फिफ्टी एट्टी जो है आपका ये उड़ीसा के ऊपर बात कर रहा हूँ ये उड़ीसा सरकार ने जो है ये स्टार्ट किया था ये वाला शेयर दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 85 परसेंट हिस्सा देगी खर्चे का और 15 परसेंट उड़ीसा की सरकार ये ना नौ, नौवें प्लान तक था दसवें प्लान तक था पचहत्तर परसेंट हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और पच्चीस परसेंट आपकी उड़ीसा सरकार देगी ग्यारहवें प्लान में क्या आया है आपकी पचास 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 का परसेंटेज शेयर होगा जो भी खर्चा आएगा पचास आपका सेंटर देगी पचास आपका स्टेट देगी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और गोल्स क्या हैं शिक्षा अभियान के जिसमें छह से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाना सभी स्कूल के दो तक और जितने भी बच्चे हैं पांच साल तक के उनको स्कूलिंग देना दो तक जितने भी बच्चे जो हैं आठ साल एज कंप्लीट कर चुके हैं दो तक उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना जहां पे आपका जेंडर वाइस कुछ नहीं होगा मेल फीमेल दोनों को जो है आपको शिक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दिस इज सर्व शिक्षा अभियान वॉज ऑपरेशन इन दू था टू थाउजेंड वन आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन गुड चलिए जी अगला आंसर बताइए क्वेश्चन देखे जी क्या कहता है जी देखिए जी क्या है द डिमांड ऑफ ए कॉम्युनिटी इज ए डायरेक्ट डिमांड बट द डिमांड ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ध्यान से समझना है क्वेश्चन को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है देखिए क्या होता है इकोनॉमी के अंतर्गत जो है आप पढ़ते हो ना तो रट्टा नहीं रट्टा नहीं बचता जब आप उस चीज को समझोगे तो आपके आंसर एक मतलब कह दू मैं इकोनॉमी जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता लेकिन समझने के ऊपर है लेकिन समझोगे तो होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है डिमांड ऑफ ए कॉम्युनिटी एग्जाम्पल ले लो कोई भी चीज की एग्जाम्पल ले लो स्टील की ले लो ठीक है कि हमने स्टील प्रोडक्शन करनी है तो मतलब हम स्टील की डिमांड कर रहे हैं ये डिमांड डायरेक्ट डिमांड है बिल्कुल ऑब्वियसली बात है मुझे स्टील की प्रोडक्शन मतलब मुझे स्टील चाहिए मुझे घर बनाना है मुझे स्टील चाहिए अब क्या है अगर मैं डिमांड कर रहा हूं स्टील की इससे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी हो जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है चार फैक्टर दैट मीन लैंड लेबर कैपिटल आंट्रपनरशिप ये चार चीज़ें होती हैं आपकी आ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत ठीक है अब क्वेश्चन देखिए मैंने बोला मुझे स्टील चाहिए तो स्टील मेरी एक डिमांड है तो स्टील एक डायरेक्ट डिमांड है बट अगर मैं फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी हो जाए अगर मैंने स्टील डिमांड किया और फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की भी डिमांड बढ़ गई तो डिमांड इसके क्या बढ़ेगी लेबर की कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं स्टील की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता हूँ जब मैं स्टील चाहता हूँ कि मेरे घर में मैंने बनाना है फैक्ट्री बनानी है कुछ भी बनाना है तो ऑब्वियसली बात है मैं फैक्ट्री वाले पास जाऊँगा फैक्ट्री तो वाले के पास अगर वो डिमांड ज़्यादा हो गई वो डिमांड ज़्यादा आ गई तो ऑब्वियसली बात है वो वर्कर क्या करेगा बढ़ा देगा दैट मीन्स फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इससे अगर मैंने स्टील की डिमांड करी तभी लेबर की डिमांड ज्यादा हुई तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन मतलब स्टील की प्रोडक्शन इंक्रीज ऑब्वियसली बात है स्टील वर्कर की भी पर, जो है आपके नौकरी लेके आनी पड़ेगी स्टील वर्कर्स को भी लगाना पड़ेगा इससे जो जो डिमांड बढ़ी तो डैट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड मतलब लोगों को ज़्यादा अपॉइंट करना पड़ेगा उनको खर्चा होगा ऑब्वियसली बात है इज कॉल्ड डिराइव डिमांड आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट करेक्टर यहां द डिमांड फॉर ए गुड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द गुड इट प्रोड्यूस स्टील अगर मैं लेना चाहता हूं तो स्टील की डिमांड मैंने बढ़ा दी सप्लाई करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों की जरूरत पड़ेगी कार की डिमांड मैंने इंक्रीज कर ली तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी मशीनें लगानी पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा ताकि हम प्रोड्यूस कर सके ये क्लियर हो गया आप लोगों को सो दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड यह याद रखना चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए नेशनल इनकम ऑफ ए इंडिया इज कंपाइल्ड बाय जो हमारे भारत की जो इनकम है नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय इसका संकलन कहाँ पे किया जाता है कौन करता है नेशनल इनकम को हम और क्या बोलते हैं एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट डेट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट आपकी पता ही लगी लग आपको फैक्टर कॉस्ट क्या है वो चार फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रनोरशिप वगैरह ये चार फैक्टर्स हैं इसकी अगर मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय कौन करता है हमें हमारे देश में कौन करता है सी एस ओ डेट इज सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बनाती है आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन डी ऑप्शन फाइनेंस कमीशन की बात करूं आपको पता है आर्टिकल 280 में लिखा गया है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी आपका टैक्स का विभाजन करना हो कोई भी ग्रांट्स की विभाजन करना हो वो सारा का सारा सेंटर और स्टेट में कौन करता है फाइनेंस कमीशन करता है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं कैलकटा में और ये किसने बनवाया था महल नॉबिस जी ने पी सी महल नॉबिस जी ने और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है कब दैट इज ऑन द ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून और इसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टेटिस्टिकल डे केंद्रीय जो है भारतीय राष्ट्रीय भारतीय जो है सॉरी राष्ट्रीय संघ की दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और एनडीसी क्या था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था और इसको एग्जीक्यूट फाइनल कौन करता था एनडीसी करता था इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा डी ऑप्शन सी एस ओ इज द राइट वन समझ आ रहा है दिमाग से समझना है भाई रट्टा नहीं यहां पे लगेगा मैं बता दूं रट्टा नहीं बजेगा वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ए रूरल पुअर वुड गेट अंडर एम जी नरेगा एम जी नरेगा जिसका पहला नाम नरेगा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर बाद में 2009 में हमने इसका महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट नरेगा आया था फिर 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एमजी नरेगा कर दिया गया 2009-10 के अकॉर्डिंग क्लियर एमजी नरेगा जो है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं हंड्रेड डेज का जो है इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल हंड्रेड डेज का इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है यस yes, बिल्कुल सही सी ऑप्शन और इसमें हम क्या करते हैं जो भी आपकी अनस्किल्ड लेबर होती है जिनके पास कोई काम मतलब उनको स्किल नहीं है अनस्किल्ड लेबर को हम क्या करते हैं स्किल्ड करते हैं क्लियर दूसरी बात इंप्लॉयमेंट दी जाती है यहाँ पे और अगर किसी बंदे को पंद्रह दिन के अंतर्गत काम नहीं मिलता 15 दिन के अंतर्गत काम नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं उसको सोलवे दिन से सारे पैसे देने लग जाते हैं पंद्रह दिन के अंतर्गत अगर एम जी नरेगा के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा तो उनको डेली वेजेस मिलने लग जाएंगे सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर सो एम जी नरेगा के अंतर्गत जो है ये चीजें आती हैं आंसर इसमें हंड्रेड डेज इज अ करेक्ट वन हंड्रेड डेज जी वट इज द मीनिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी जल्दी बताइए गिल्ट एज ए सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है जिसे हम क्या कहते हैं जी सेक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिल्ट एज सिक्योरिटीज इसका मतलब क्या होता है ये सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज वो securities होती है जो है जो गवर्नमेंट इशू करती क्लियर हो गया गवर्नमेंट जो इशू करेगी उसे हम कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज और ये सबसे ज्यादा जो होती स्टेबल होती है. का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें डर नहीं है अगर हम खरीद लेना तो ऑब्वियसली बात है हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा हमें जो चीजें हैं हम गवर्नमेंट से खरीदेंगे और इसके ऊपर जो भी पैसा लिखे लगा होगा तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करी गई है डेट इज कॉल्ड गिल्ड

ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर आरबी द्वारा आरबी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो है हम इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करते हैं सेल और परचेज करते हैं जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में पार्ट बनता है तो यहां पे आंसर क्या बनने वाला है सो सिक्योरिटीज आर बाय द गवर्नमेंट आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस बी इज द राइट वन क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes. अगर हम बात करते हैं एम मल्टीनेशनल कमर्शियल ये होती है ये होते हैं कमर्शियल बिल्स कमर्शियल जो होते हैं कमर्शियल पेपर्स कमर्शियल पेपर्स इश्यू करते हैं ये कमर्शियल पेपर इश्यू करते हैं क्लियर प्राइवेट कंपनीज वगैरह तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर लो रिस्क लो ईल्ड इन्वेस्टमेंट ये आपका दो देखने को मिलता है टॉप कंपनीज जो हैं मतलब इस तरीके से मतलब लो रिस्क होता है आप खरीदें गवर्नमेंट आपको पैसा देगी देगी <coughs> जी चलिए जी अगला आंसर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शरी एक्टिविटी टर्शरी एक्टिविटी का मतलब क्या है टर्शरी सेक्टर के ऊपर बात कर रहा है टर्शरी सेक्टर मतलब आपके तीन सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टर्शरी में क्या होता है पहले प्राइमरी देख लेते हैं प्राइमरी में होता है एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ क्लियर जिसमें आपका फार्मिंग भी आ गया फॉरेस्ट्री भी आ जाता है क्लियर और पोल्ट्री फार्म वगैरह भी आता है फिशरी वगैरह आ जाते हैं और दूसरी बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर की जिसमें हम बात करते हैं इंडस्ट्री जिसमें आप मैनुफेक्चरिंग वगैरह करते हैं क्लियर प्रोडक्शन वगैरह और थर्ड आता है आपका सर्विस सेक्टर जिसे आप टर्शरी सेक्टर कहते हैं जैसे कि आपका बैंकिंग स्कूलिंग एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें बैंकिंग ए वगैरह क्लियर तो ये टर्शरी सेक्टर में आता है तो टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस यहाँ पर तो सर्विस देखो जी कहाँ पर मिल रही है सर्विस हमें मिलती है ट्रेडिंग में तो आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन फार्मिंग की बात करूँ ये प्राइमरी है इंडस्ट्री मैनुफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये सेकेंडरी मतलब आपका इंडस्ट्री वाला आ गया और डायरिंग मतलब दूध बनाने का काम जो है ये आपका प्राइमरी में आ गया तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए जीडीपी के अंतर्गत सबसे ज्यादा शेयर किसका है तो वो है टर्सरी सेक्टर का दूसरे नंबर पे किसका है सेकेंडरी सेक्टर का और लास्ट में आपका प्राइमरी सेक्टर का ये आपको याद रखना है अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी जीडीपी का मतलब क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्लियर हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस वर्ड का मतलब क्या हो गया होता है कि कोई भी आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हो आप देश के अंतर्गत एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज में हमारे देश की क्लियर वो अगर उसकी फाइनल वैल्यू करें जो वो आपने प्रोड्यूस किया चाहे गुड्स प्रोड्यूस करी चाहे सर्विस प्रोड्यूस करी उसकी फाइनल वैल्यू को हम क्या कहते हैं जीडीपी कहते हैं सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सो दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्वार्टनरीज में वो आता है जिसमें आपका गवर्नमेंट का कल्चर और लाइब्रेरी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह चीजें आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह आता है जी इनमें से जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको बताया था जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर वो होता है जीडीपी अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ये एक मेज़रमेंट होती है मेजर किस चीज़ का मेजर है ये किस चीज़ को मेजर करते हैं इसके अंदर जो भी आपके लेवल ऑफ प्राइस है चाहे वो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं और आपके डोमेस्टिक uh, प्रोडक्ट बन रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं मतलब क्या हो गया द लेवल ऑफ प्राइसिस ऑफ लेवल ऑफ प्राइसिस ऑफ ऑल न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री मतलब उसका लेवल ऑफ प्राइसेस क्या है सभी चीजों का उसको हम जीडीपी और डिफ्लेटर कहते हैं जिसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर सो जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर इज डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इससे हम क्या करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लेते हैं अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की ऑब्वियसली बात है जीडीपी मतलब प्रोडक्शन एक साल के अंतर्गत अगर हम करंट प्राइसिस के ऊपर उसकी प्राइस लेते हैं करंट प्राइसिस के ऊपर क्लियर हो गया आप लोगों को उसको हम कहते हैं नॉमिनल रियल का मतलब क्या होता है जब हम उसको बेस प्राइस से यानी कि बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं हम रियल जीडीपी डेट मींस नॉमिनल मतलब करंट करंट प्राइसिस के ऊपर रियल मतलब आपका बेस ईयर के ऊपर बेस ईयर का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें जैसे अभी 2020 2021 चल रहा है हमारा क्लियर 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 के आसपास का साल होना चाहिए दूसरी बात यह होती है कि 2021 के पास दो 2021 का आसपास का साल होना चाहिए प्लस दूसरी बात यह होती है कि उस साल प्राइसेस जो है आपके कॉन्स्टेंट रह रहे हो तो उसको हम बेस ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं तो मतलब नॉमिनल डिवाइडेड बाई जी को रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा जी डिफलेटर निकलेगा जो हमें बताएगा कि जो आप नई चीजें हैं नई प्रोडक्शन करिए उसका लेवल ऑफ प्राइसिस क्लियर सो वट इज दिस तो रेशियो ऑफ टू द रियल इज कॉल्ड आपका डिफ्लेटर आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस वन ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को जी वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा चलिए जी अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इसमें से आपको बताना है कि राजकोषीय नीति का कौन सा पार्ट नहीं है पहली बात तो फिजिकल पॉलिसी बनाता कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है क्लियर फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरे बात यहाँ पे ये यह आती है जिसमें हम टैक्स के बारे में बात करते हैं टैक्स के बारे में टैक्स हमें हमें मिलेगा रेवेन्यू हमें मिलेगा टैक्स को हम खर्चेंगे इन्वेस्ट करेंगे खर्चेंगे भी और प्लस उसको बैलेंस करना मैनेज करना वो प्रॉपर तरीके से जो पॉलिसी होती है डैट इज़ कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी कहने का मतलब टैक्स को मैनेज करना खर्च करना रेवेन्यू इकट्ठा करना वो होता है फिजिकल पॉलिसी का पार्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार कर दी है अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है फिजिकल पॉलिसी का अगर देखा जाए टैक्सेशन ये तो पार्ट है ऑब्वियसली बात है पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब रेवेन्यू इकट्ठा करोगे तो खर्चोगे भी तो ये भी पार्ट बनेगा पब्लिक डेट सार्वजनिक ऋण ये भी आपका पार्ट बनेगा क्रेडिट रैशनिंग ये नहीं है क्रेडिट रेशनिंग जो होता है ये पार्ट होता है आपका डेट इज द आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है उसका पार्ट होता है क्रेडिट रेशनिंग क्लियर हो गया आप लोगों को आंसर तो इसमें क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस जी तो डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन अगला बताइए इनमें से फीचर बताना है आपको किसका डेट इज अजर फेयर सिस्टम क्या होता है लेजर फेयर सिस्टम का मतलब होता है जहां पर आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है फेयर का फिनोमिना जिसमें आपका गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता इसमें सारा रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ यहाँ पे होती हैं कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलता है प्लस सॉवर्निटी जो कंज्यूमर की सॉवर्निटी होती है वो होती है इसके अंतर्गत जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है जाने के जो आ, जो आपका कंज्यूमर है वो किंग है यहां पे मतलब उसको जो चीज पसंद आएगी वही खरीदेगा तो यहां पे कंपटीशन देखने को मिलेगा सो बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेजर फेयर जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कोई भी नहीं होता नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आंसर इसमें क्या बनेगा ओनली वन मार्केट फोर्सेज आर हाईली रेगुलेटेड नहीं इट इज ए सोशल सिस्टम नहीं मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन गलत तो इसमें गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं होता तो आंसर में क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस ए ऑप्शन इज द राइट वन ए ऑप्शन अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ठीक है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया आपको कैपिटलिस्ट इकॉनमी के बारे में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और इसने पूछा है कि नॉट ए फीचर कि उसमें कौन सा फीचर नहीं आता तो पॉइंट देखते हैं राइट ऑफ राइट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी यार ये ऑब्वियसली बात है प्राइवेट का ही काम खेल रहा है यहां पे तो प्राइवेट ये तो आपका सही है मतलब ये तो इकोनॉमी का पार्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बात है यार अभी बताया था मार्केट में कंज्यूमर किंग है ऑब्वियसली बात है मार्केट में क्या होगा कॉम्पिटिशन होगा ये भी सही है सर्विस मोटिव गलत सर्विस मोटिव नहीं होता इनका इनका तो मोटिव क्या होता है प्रॉफिट मेकिंग सर्विस नहीं होता सर्विस तो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है तो ये तो आपका गलत हो गया फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर इज द किंग कंज्यूमर सॉवरिटी इज देयर तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा सी दैट मीनस दिस इज नॉट द फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लियर हो गया आप लोगों को सी इज द राइट वन यस सर्विस मोटिव इज द करेक्ट वन ये वही चीज है जी इसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है जो भी है अदरवाइज मैं इसको पी डी एफ में शेयर कर दूंगा उसमें आपको पता लग जाएगा चलिए जी अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इफ आर बी आई cash द कैश कैश रिजर्व रेशो क्या होगा आर बी आई अगर सी आर आर को कम कर देती है अब पहले तो आपको पता होना चाहिए सी आर आर का मतलब क्या होता है ये देखिए मैं इसको ऐसे समझता हूँ ये किसी चीज़ की रेशो लेते हैं हम उसको हम रिजर्व करते हैं कैश फॉर्म में किसके पास आर बी के पास क्लियर हो गया मतलब हमने कैश फॉर्म में पैसा जमा करना है कहां पे आर बी के पास और इसके ऊपर आर बी आई कोई भी ब्याज नहीं देता नो इंटरेस्ट एट ऑल कोई इंटरेस्ट नहीं देता आरबी कोई इंटरेस्ट नहीं देगा ये उसकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि बैंकों को इतना पैसा मेरे पास जमा करना पड़ेगा ही पड़ेगा और वो भी कैश फॉर्म में क्लियर अब एक चीज बताओ अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो कम कर दी मतलब क्या हो गया कि बैंकों को पैसा कम देना पड़ेगा किसके पास आरबीआई के पास इट मीन्स बैंकों के पास पैसा क्या हो गया बढ़ गया या कम हो गया बढ़ गया अगर आरबीआई सी आर आर को कम कर रहा है तो डैट मीन्स आरबीआई क्या कर रहा है बैंकों के पास पैसे ज्यादा रख

आरबी ये जो भी पॉलिसी को लो करता है डेट मीन्स लो कर रहा है ना उसने रिड्यूस करा लो करा अगर आर बी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है तो डैट मीन्स वो फॉलो क्या कर रहा है चीप मनी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी देश में ग्रोथ करना चाहता है ठीक है या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे लूज मनी पॉलिसी तो ये चीजें फॉलो कर रहा है लूज मनी पॉलिसी एक्सपेंशनरी चीप मनी पॉलिसी ये कौन फॉलो कर रहा है ये आरबी फॉलो कर रहा है जिसमें सीआर को अगर हम कम कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट वन ऑप्शन चलिए अगला बताइए इन्फ्लेशन एग्जिस्ट वेन ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रा इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है आरबी अब आर जब कंट्रोल करेगा आर भी, भी कंट्रोल करेगा और प्लस आपका फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जाने की आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको कंट्रोल करेगी क्लियर हो गया आप लोगों को अब आर कैसे करेगा आर इसको क्या करेगा आपका जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगा मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को पहली बात तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है महंगाई मुद्रा सफीति जब आपकी चीज़ों के प्राइस जो है आपके बढ़ने लग जाएंगे पहले तो आंसर क्या बनेगा ए ऑप्शन अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करेगा आरबीआई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करके जैसे अभी हमने लिखा था सीआरआर कम था यहां पे हम क्या कर देंगे सीआरआर को बढ़ा देंगे बैंक रेट को बढ़ा देंगे रेपो रेट को बढ़ा देंगे ये सारी चीज़ रेट बढ़ जाएंगे अगर हम अगर हम इन रेट्स को बढ़ा रहे हैं तो हम बैंकों के पास पैसा कम रख रहे हैं ताकि वो वो लोगों को ना दे। तो इट जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो बैंक जो आरबीआई कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है डियर मनी पॉलिसी क्लियर हो गया और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी यानी कि हाथ हाथ खींच लिया आरबीआई ने क्लियर टाइट टाइट मनी पॉलिसी कर लिया उसने कि हाँ मैं पैसे नहीं दूंगा दैट मीनस ये पॉलिसीज़ फॉलो करेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा पार्ट हमने बात करी फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करी कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टैक्स क्या होगा टैक्स का जो रेट होगा वो बढ़ा सकते हैं जो और वो कौन से टैक्स रेट बढ़ाएंगे डायरेक्ट टैक्स क्योंकि इनकम बढ़े टैक्स बढ़ेगा जो भी ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा वो हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स है वो आपके बढ़ सकते हैं ये याद रखना और वो भी कौन सा डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन वन ऑप्शन चलिए जी अगला आंसर बताइए रेट एट विच आर बी आई गिवस शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड जब आर बी आई कम समय के लिए पैसा देता है किसको कमर्शियल बैंक को तो उसको हम क्या कहते हैं रेपो रेट कहते हैं रेपो रेट का मतलब क्या होता है रिपर्चेज एग्रीमेंट दिस इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट दैट मीन्स आर को सिक्योरिटी जमा करके रखेगा बैंक जो होगा आर को सिक्योरिटी देगा तो वो सिक्योरिटी के लिए रीपरचेज एग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर वो आपका आर बैंक्स को पैसे देता है डैट इज कॉल्ड रेपो रेट आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है यहाँ पे जो बैंक होते हैं वो क्या देते हैं आर को पैसा देते हैं क्लियर हो गया और इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो कौन सा रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट क्या होता है जिसमें आपके जो आर होता है वो क्या करता है बैंकों को पैसे देता है कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए पैसे देता है कैश रिजर्व रेशियो की बात करता हूं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें बैंक क्या करते हैं कैश फॉर्म में पैसा जमा करते हैं आरबी के पास और उसको कोई ब्याज नहीं मिलता किसको ब्याज नहीं मिलता आरबी को कोई ब्याज नहीं मिलता सॉरी बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता समझ आया आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा अगर मैं यहां पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कहूं रे� व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये रेट एंड रिवर्स रेट दिस इज कॉल्ड एल एफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट फैसिलिटी फैसिलिटी लिक्विडिटी इसको हम कहते हैं क्लियर हो गया याद रखना अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाए गोल्ड बॉन्ड शेयर ये होते हैं लिक्विड एसेट क्लियर हो गया आप लोगों को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है पैसा पैसे ही लिक्विड है अगर मेरे पास पाँच सौ रुपए का नोट है मार्केट में किसी को भी दूंगा मेरे को सौ सौ का खुले दे देगा दे सौ रुपया दूंगा दस दस के दे देगा पचास दूंगा तब भी दस दस के दे देगा दैट मीन्स अब सोना लेके जाओ आप सोना किसी भी बंदे को दे दो नॉर्मल मार्केट में नहीं लेगा वो क्लियर तो आपको सुनार की दुकान पर जाना पड़ेगा या जा जो भी आपके ये सोने वाले रखते हैं उसके पास जाना पड़ेगा तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा हो गया ये पैसा कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट क्लियर याद रखना इंपॉर्टेंट है ये तो आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन रेपो रेट

ठीक है एजुकेशन को और हेल्थ को ये इंडेक्स तैयार करता है इन तीनों चीजों को लेके यूएनडीपी आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन क्लियर हो गया आप लोगों को यूएनडीपी एनडीपी के हेडक्वार्टर कहां पे है न्यूयॉर्क में है और यूएनडीपी एक डेटा और तैयार करता है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स भी कौन तैयार करता है यूएनडीपी एन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक जनवरी उन्नीस को बना था पचानवे को बना था एक जनवरी उन्नीस को हेडक्वार्टर इज इन द जिनेवा क्लियर और आपका डब्ल्यू का पहला नाम क्या था गैट वट इज द मीनिंग ऑफ गैट दिस इज कॉल्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड याद रखिए इंपॉर्टेंट है टैरिफ एंड ट्रेड क्लियर तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूटीओ uh, का पहला नाम गैट था और गैट की आठवां राउंड था एट राउंड था जो हुआ था रुकवे में इसके इसके अंतर्गत जो है इसका नाम डब्ल्यूटीओ रखा गया आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री को पैसा देते हैं आईएमएफ की बात करता हूं इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट देता है आईएमएफ याद रखना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के बारे में सेवन अप्रैल 1948 को ये आपका डब्ल्यू टी ओ बना था इसके अभी चेयरपर्सन कौन है डॉक्टर टेड्रोस टेड्रोस इज़ अ चेयरपर्सन इथोपिया से हैं ये सात अप्रैल को क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ डे होता है याद रखना आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन यू इज़ डी करेक्ट वन यू चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता यह पहली बार वर्ड कब कौन से फाइव ईयर प्लान में आया था यह आत्मनिर्भरता वर्ड जो है कौन से ईयर प्लान में आया था यस आत्मनिर्भरता वर्ड किस में आया था स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से सेकेंड प्लान की बात करता हूँ ये फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन में था जो आपका नेहरू मेहनोबिस प्लान है जिसका ऊपर फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्लियर तीन इंडस्ट्रीज खोली थी आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई भिलाई में जडी छत्तीसगढ़ ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी भिलाई छत्तीसगढ़ यूएसएसआर की मदद से और दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल और ये मदद करी थी यूके ने और तीसरी खोली थी आपकी राउरकेला उड़ीसा जो खुली थी जर्मनी की मदद से ये तीनों आयरन एंड स्टील प्लांट थे आपके याद रखना थर्ड फाइव ईयर प्लान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हुआ है सिक्सटी वन से सिक्सटी सिक्स ये हमारा वर्स्ट प्लान था और ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान में बात किया गया था कि इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट हमें बनाना है लेकिन ये फेल हो गया था फोर्थ फाइव ईयर प्लान की बात करता हूँ ये सिक्सटी नाइन से सेवनटी फोर में चला था और इसमें इन्होंने बात क्या करी थी इन्होंने बात करी थी क्या डेट इज़ आपका ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता ये वर्ड इन्होंने यूज किया था तो आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये सेवेंटी फोर से 78 एट तक चला था बोला 79 तक था और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जो है इसमें बोला गया था गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया था किसने दिया था जो है इंदिरा गांधी जी ने दिया था तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन फोर्थ फाइव ईयर प्लान इज द करेक्ट वन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस ये आपको याद रखना है फोर्थ ईयर फाइव ईयर प्लान में ही आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था चौदह बैंकों का जिसमें फिफ्टी करोड़ हर बैंक में रखे गए थे पेड अप कैपिटल स्माइलिंग बूदा पोखरण टेस्ट किया गया था पहली बार नाइनटीन सेवेंटी फोर में ऑयल क्राइसिस सूखे पड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हुआ तो ये प्लान भी फेल हुआ था हमारे देश में चलिए जी अगला बताइए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला इनमें से कौन सी कमेटी सेटअप करी गई थी जो हमें बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को बताती है कहाँ पे अर्बन एरियाज़ में बी जो इन चीज़ों का डेटा तैयार करती है पॉवर्टी के लिए खासकर अर्बन एरियाज़ की बात करी गई है तो ये कमेटी जो बैठी थी 2012 में बैठी थी और इसमें जो सारी कमेटीज़ है ना ये सारी की सारी कमेटी पॉवर्टी के लिए हैं लेकिन इसने पर्टिकुलर एक वर्ड यूज कर दिया अर्बन एरियाज 2012 में वो बैठी थी हाशिम कमेटी आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा अर्बन एरियाज के लिए पूछा तो हाशिम कमेटी अगर रूरल एरियाज के लिए पूछा तो सक्सेना कमेटी रूरल एरियाज में 2009 में बैठी थी रूरल एरियाज में याद रखना इंपॉर्टेंट है क्लियर ये रूरल एरियाज की बीपीएल लोगों की सक्सेना कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी आपकी पॉवर्टी की एस्टिमेशन के लिए थी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए क्लियर लकड़ कमेटी ये भी ये बात करता है नंबर ऑफ पुअर्स कितने लोग पुअर थे नंबर ऑफ पुअर्स ये कब 1989 में क्लियर हो गया 1989 में ये एस्टिमेशन ये देता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका जी आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर अर्बन एरियाज में हाशिम कमेटी चलिए अगला आंसर बताइए थर्ड फाइव ईयर प्लान जो आया था उसका मेन मोटिव क्या था थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो मेन मोटिव था 61 से 66 तक था ये और मैंने आपको बताया था कि 61 से 66 में जो आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान चला था ये फेल था और इसके अंदर जो बात करी गई थी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाने की बात करी गई थी लेकिन यहाँ पे बात क्या है उद्देश्य फोकस कहाँ पे था तो फोकस यहाँ पे था डेट इज ऑन द एग्रीकल्चर अगेन ऐसा नहीं कि आपका पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस था पहले में एग्रीकल्चर था दूसरे में इंडस्ट्रीज के ऊपर था थर्ड था। में आपका इंडिपेंडेंट बनाना को अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना लेकिन उसमें भी फोकस किसके ऊपर था एग्रीकल्चर के ऊपर तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा एंड दिस इज अ वर्स्ट प्लान क्लियर और तभी आपको याद होगा ग्रीन रेवल्यूशन थर्ड फाइव ईयर प्लान में आया था सिक्सटी सिक्स से सिक्सटी सेवन में क्लियर यह देखने को मिला था तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट वन बी ऑप्शन एग्रीकल्चर इज द राइट वन जी एग्रीकल्चर अगला बताइए इनमें से बेस्ट इंडिकेशन बताना है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया सबके पास पैसा है सबके पास काम है प्रॉपर तरीके से देश में इन्वेस्टमेंट चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहे हैं लोगों को काम मिल रहा है पैसा मिल रहा है तो डैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियर इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा हमें पता लगती है पर कैपिटा इनकम से क्योंकि हर व्यक्ति की आय अगर बढ़ रही है तभी हमें चलता है पता रहा कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन क्लियर पर नेशनल इनकम को हम और क्या कहते हैं एन एन पी एट फैक्टर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन तो वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो यहां पे हम बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है दिस इज द पर कैपिटा इनकम आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन बी ऑप्शन यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन बी ऑप्शन बिल्कुल सही बी ऑप्शन इज द राइट वन चलिए जी पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यहां पे टोटल इनकम का मतलब क्या है नेशनल इनकम वो एन एन एट फैक्टर कॉस्ट होती है याद रखना अगला बताइए क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द विजिबल जो हमें चीजें दिखती हैं एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट जो चीजें हमें दिखती हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो रहा है अगर उसका डिफरेंस किया जाए तो क्या होगा सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बात क्या करते हैं सिर्फ गुड्स की बात करते हैं जिसमें आपका लेन देन चलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें हम बात करते हैं गुड्स एज वेल एज सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात आती है क्लियर हो गया तो वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ट्रेड की बात करें तो यहां पे गुड्स की बात आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज की बात यहां पे देखने को मिलेगी तो यहां पे गुड्स की बात है तो आंसर इसमें क्या बनेगा दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द करेक्ट वन क्लियर बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट right वन अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो ये क्या कौन सा घाटा पड़ रहा है हमारे देश को तो दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिशियंट करंट अकाउंट डेफिशियंट क्योंकि करंट अकाउंट में क्या बात करते हैं हम अगेन करंट अकाउंट में हम बात क्या करते हैं आपका करंट uh, अकाउंट में हम बात करते हैं डेट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं क्लियर करंट अकाउंट डेफिशियट का मतलब जहां पर इंपोर्ट ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया क्लियर हो गया ऐसा ही चीज अगर मैं बताऊं आपको एक और हमारे देश में ट्विन डेफिशिएट एक वर्ड होता है ट्विन डेफिशिएट ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है हमारे देश में लगातार दो घाटे सेम टाइप के कंट्री को पड़े जिसमें एक होता है करंट अकाउंट डेफिशिएट करंट अकाउंट डेफिशिएट क्लियर और एक दूसरा होता है आपका फिस्कल डेफिशिएट फिस्कल डेफिशिएट ये अगर दोनों देश को पड़ गए एक साथ तो उसको हम क्या कहेंगे ट्विन डेफिशिएट ये भी याद रखना अगर आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चल रही है यानी कि क्राइसिस में आप जा रहे हैं तो आपको लोन कौन देगा आई एम एफ देगी दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देगा अगर आप उसके मेंबर नेशन में आते हैं क्लियर हो गया याद रखिए सो गाइस, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड दिस इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात आ रही है जो विजिबल है सो so ज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर वन लैक थर्टी सेवन थाउजेंड प्लस बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं बाकी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्लियर कोई भी आपका एग्जाम होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया जी जैसे अभी हमने इकोनॉमी के डिस्कस किए क्वेश्चन पूरे रैंडम क्वेश्चन डिस्कस किए ऐसी अगर आप पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी एनवायरनमेंट एक, के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम चाहते हैं तो मेरे टेन थाउजेंड एम कोर्स में ये चीज़ें आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम तो मिलेंगे मिलेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं एसएससी रेलवे डिफेंस स्टेट एग्जाम स्टेट पीसीएस यूपीएससी उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं टेन थाउजेंड एमसी के कोर्स में प्लस मॉक टेस्ट की सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है आपको कोई मॉक टेस्ट बाहर से परचेज करने की कोई, कोई जरूरत नहीं है ना ही कोई एडिशनल करने की जरूरत है तो मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे ही अपलोड करता हूं इसमें आपको ये कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिलेगा तेईस अगस्त तक ये देख सकते हैं दूसरा कोर्स है मेरा जीएस कोर्स जो हमारा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें हमने यहां पे डिस्कस की हुई हैं तो वह देख सकते हैं दोनों कोर्सेज आपको दिखेंगे कहां पे जा तो स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर ठीक है या फिर हमारी वेबसाइट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहां पे होम पेज नजर आएगा यहां पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे 10,000 थाउजेंड एम सी कोर्स आपको देखेगा तीसरे नंबर पे और जी एस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर पे जो भी आपको इन दोनों में से कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं क्लियर और प्लस मॉक टेस्ट नंबर चार जो होगा हमारा 21 अगस्त को जो है अपलोड हो जाएगा तो इसको देखना मत भूलिए और ये होगा कहाँ पे 10,000 थाउजेंड एम कोर्स में शाम के पांच बजे अपलोड होता है छह बजे इसके वीडियो सोल्यूशन आ जाते हैं हैं या, याद रखिए है। और इसमें जो लेवल होगा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का लेवल होगा और ऐसा नहीं है कि स्टेट एसएससी uh, रेलवे या डिफेंस वाला बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता इस पेपर को अटम्प्ट करना जरूरी है बहुत सारी चीजें दिमाग में खुलेंगी आपकी क्योंकि जब मैं वीडियो सोल्यूशन दूंगा तब आपको पता लगेगा कि गलतियां कहां पर आपने करी थी क्लियर सो थैंक यू सो मच गाइज ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़िए मिलते हैं शाम को गुड लगा जय हिंद